दुमका जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 शातिर चोर के निशानदेही पर चोरी के जेवरात और ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीते 6 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीकुंडी निवासी राजीव रंजन किशोर लाल के घर में चोरी हुई थी, जिसकी लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना में वादी द्वारा किया गया था। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा के निर्देश पर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई। तकनीकी शाखा की मदद से 10 और 11 फरवरी को मुफस्सिल थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने छापेमारी कर संतोष कुमार दास, विशाल कुमार मल्ला, कौशिक कुमार मल्ला, सूरज कुमार मल्ला को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में चारों युवक अपने किए अपराध को स्वीकार लिया। पकड़े गए अभियुक्त के निशानदेही पर शिबू कुमार, विशाल कुमार मल्ला, कौशिक कुमार मल्ला, रोहित कुमार मल्ला, लाल बिहारी वर्मा उर्फ मोहन वर्मा को भी पुलिस ने थाना लाकर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में अपने अपराध को स्वीकार लिया। साथ ही 9 शातिर चोरों के निशानदेही पर चोरी की गई मोबाइल, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवरात, रुपए और घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फसल थाना क्षेत्र में लखीकुंडी में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नगद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें से करीब 35,000 रुपया और लैपटॉप, जेवरात और मोबाइल वगैरह जो भी हैं उसको बरामद कर लिया गया है। क्या ये सभी चोर नए चोर हैं या आपराधिक इतिहास है? नहीं, इन लोगों का तो आपराधिक इतिहास नहीं है, और बाकी अनुसंधान में अगर बात आती है तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और इसमें हाँ, चोरी में सभी शामिल थे। एक लाल बिहारी वर्मा है जो कहीं जेवर की दुकान है उनकी, सोने की, और उनको भी गिरफ्तार किया गया है, वो रिसीवर के रूप में वो शामिल थे कांड में। जी जी जी। ये जो मोबाइल है या गाड़ी जो जब्त हुआ है, क्या यह चोरी का है? नहीं, एक अल्टो साथ में गाड़ी है जिनके साथ ये लोग पकड़ाए हुए हैं, गाड़ी के साथ ये उसी से जो है कि रेकी करते थे, घूमते फिरते थे टाउन में, और इसको गाड़ी के साथ ही इन लोग पकड़ाए हुए हैं। घटना में शामिल थे इसमें सभी को, और लैपटॉप, मोबाइल, नगद रुपया, सारे जो चोरी हुआ है उसको बरामद हम लोग किए हैं।